वो चुटकुला सुना है ना आपने कि तीन लोगों की डेथ हो गई, ऊपर गए तो चित्रगुप्त हिसाब किताब कर रहे थे, बोले नहीं नहीं एक जने की होनी थी, ये बाकी दो तो जबरदस्ती आ गए, तो एक दो को वापस भेज दो। तो तीनों आपस में बोले नहीं मेरे को वापस भेजो। चित्रगुप्त और यमराज तीनों टेंशन में, बोले वापस किसको भेजे अब। तो चित्रगुप्त ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, काम करो तुम तीनों को हम वापस भेजते 24 घंटे के लिए, तीनों को भेजते हैं, अभी तुम्हारी बॉडी को जलाया नहीं है। इस 24 घंटे में अगर तुमने झूठ बोला कुछ भी तो वापस बुला लें, और जो झूठ नहीं बोलेगा वो नीचे ही रह जाएगा, अपनी उम्र पूरी करके आएगा। बोले ठीक है। तो एक व्यक्ति था वकील, तो दिन भर उसने केस लड़े, सारे काम किया अपना, एक भी झूठ नहीं बोला, सच सच बोला, सारा सच सच बोला, पूरा दिन बिता दिया, एक भी झूठ नहीं। उसको पता था कि क्लाइंट झूठ बोल रहा है, तो उसने बोल दिया कि ये झूठा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, झूठ नहीं बोला, दिन बीत गया। एक दूसरा और व्यक्ति था, ठीक है, डॉक्टर, तो डॉक्टर ने भी झूठे भाई, ऐसे तो देखा जाता है ये बीमारी है वो बीमारी, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा करके घुमा। उस दिन उसने कुछ नहीं किया, ऐसा एकदम सच सच बताया कि तुमको कुछ बीमारी नहीं है, घर चले जाओ, या तुमको ये बीमारी। तो दिन भर उसका भी निकल गया, वो भी बच गया। तीसरा व्यक्ति था, वो सेल्समैन था, वो दिन भर काम करके शाम को रिपोर्ट भरने के लिए बैठा, और जैसे रिपोर्ट भर के साइन किए ऊपर ले लिया उसको। इस चुटकुले से क्या समझने को मिलता है कि सेल्समैन रिपोर्ट जो है वो झूठ बढ़ता है कि आज ये विजिट किया वो विजिट किया ये क्या ऐसे एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं किया। ये देखने सुनने में चुटकुला है, लेकिन अगर आप चेक करोगे तो आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग पता चलेगी कि दरअसल हम वास्तव में खुद से बहुत झूठ बोल रहे हैं। दूसरों से नहीं बोल रहा हूं मैं, कस्टमर से, बॉस से, अपने फैमिली मेंबर से, उनके झूठ की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं खुद से झूठ बोलने की। और हमने अपने आप को झूठ बोलने में एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है, उससे बचना पड़ेगा, क्योंकि उस झूठ की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है अपने को। इसको मैं सेल्स के टाइम पे भी बताऊंगा।